अस्सलाम वालेकुम तमाम PPDCA के मेंबरान, ओहदेदारान, प्लेयर्स और तमाम रीजन हेड्स को बहुत बहुत मुबारक के एक बहुत मुद्दत से जो एक हमारी क्रिकेट जो एक लॉकडाउन की सूरत इख्तियार कर चुकी थी, जो अभी पिछले दिनों हमारे सेक्रेटरी अमीरुद्दीन अंसारी और हमारी मैनेजमेंट जिन्होंने सबने मिलके इसको दोबारा मेन स्ट्रीम लाइन में कोशिश की, तो बहुत ही खुशी की बात है कि शाहिद अफरीदी T20 चैम्पियनशिप की सूरत में 6, 7, 8 मई को कराची में इसका फेज़ 1, जिसमें क्वेटा, हैदराबाद और कराची और मुल्तान की टीमों ने पार्टिसिपेट किया। वहाँ से चैम्पियन रही मुल्तान और यही कारवां चलता हुआ फेज़ 2 का यहाँ लाहौर में, यहाँ पे हमारे यहाँ लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और बहावलपुर की टीमों ने हिस्सा लिया। वो के बहुत ज़्यादा हॉट और बड़ा ही अनसुटेबल वेदर रहा यहाँ लाहौर में, लेकिन मैं मुबारक पेश करता हूँ तमाम प्लेयर्स को जिन्होंने बड़ी जान फिशानी से इस गर्मी में बड़े उम्दा क्रिकेट खेल के अब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा किया। और यहाँ पे बहावलपुर की टीम चैम्पियंस रही और बाद में यही टीमें बहावलपुर और मुल्तान, जो कि फाइनल 18 मई को खेला गया, जिसमें मुल्तान चैम्पियन रही और बहावलपुर रनर अप रही। और बहुत मुबारक JK को, जमील कामरान भाई को, कि एक छोटे से एक पसमानदा इलाके से इतना अच्छा और ज़बरदस्त टैलेंट और बहुत ही उम्दा क्रिकेटर जो हैं वो सर्व कर रहे हैं PPDCA के लिए। तो यहाँ पे ख़ासकर मैं ज़ुबैर सलीम की भी बड़ी उसको मुबारक पेश करता हूँ कि कंजेक्टिव 4 मैचों में मैन ऑफ द मैच रहे और काफ़ी देर के बाद उन्होंने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस की है। तो बहुत बहुत मुबारक अमीरुद्दीन अंसारी सेक्रेटरी साहब को, तमाम PDCA के रीजन्स हेड को और तमाम प्लेयर्स को जिन्होंने इस मेले को, इस इवेंट को अपनी काविशों से, अपनी उम्दा क्रिकेट से 4 चांद लगाए। और हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि हमारे यहाँ बहुत उम्दा और क्वालिटी क्रिकेट और ज़्यादा सूरत में है, जिसका काफ़ी चीज़ें पाइपलाइन में हैं। वर्ल्ड कप आ रहा है इंडिया में और इसके पहले भी शायद कोई क्रिकेट के एक आध इवेंट हो जाए। तो यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा।